वो वॉचिंग वीलॉग टीवी। हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप चारक और आप देख रहे हैं वीलॉग टीवी। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पीकर के बारे में जिसका नाम है एमकेट ट्रूबीट्स S50। ये स्पीकर आज से 2-2.5 साल पहले आया था, बट फिर भी मैं इसका आज रिव्यू क्यों करना चाह रहा हूँ, बिकॉज आपने JBL, मीवी, सोनी, बीट्स, बोट, ये सारे ब्रांड्स के स्पीकर्स देखे होंगे। इन सब के रेंजेस देखे होंगे, 2000 से लेके 6-7 हज़ार तक बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी के स्पीकर्स आए हैं। जब ये लॉन्च हुआ था तो ये 5000 रुपये का था, बट आज ये 2000 रुपीज़ में आ रहा है और इसकी साउंड क्वालिटी उन्हीं से कंपेयर की जा सकती है, और हो सकता है उनमें से 2-4 से बेटर भी हो। तो और फॉर रेफरेंस कि इसकी साउंड क्वालिटी किस लेवल की है, तो हम एक अच्छी ब्रांड जैसे कि JBL Flip 3 से इसको कंपेयर करेंगे साउंड क्वालिटी में। उसके लिए मैं आपको सेपरेट दोनों की साउंड सुना के दिखाऊंगा, आप खुद जज करिएगा कि कैसा है। प्लस आप JBL Flip 3 और मीवी ऑक्टेव, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। प्लस मैंने आई बटन में भी दे दिया है। तो स्पीकर्स को जज करने के लिए मेरे हिसाब से 5 बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं जिनसे आप जज कर सकते हो कि स्पीकर ये किस क्वालिटी का है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आ जाती है उसकी साउंड क्वालिटी, जो कि बेसिक नीड है। आप जब भी स्पीकर खरीदने जाते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है कि किस मतलब कैसी साउंड है इसकी, साउंड क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहला फैक्टर साउंड हो गया। दूसरा फैक्टर होता है उसकी बैटरी लाइफ, क्योंकि इन केस आप ऐसे छोटे साइज़ में कॉम्पैक्ट स्पीकर लेने जाते हैं तो आप उसकी बैटरी लाइफ ज़रूर देखते हैं, क्योंकि आप ये कहीं भी पार्टी वार्टी करने के लिए, घूमने के लिए उस पर्पज़ से खरीद रहे होते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है इसकी फंक्शंस, कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। आप कोई भी स्पीकर खरीदते हैं तो उसके फंक्शंस ध्यान देते हैं। चौथी चीज़ आती है इन केस आप उसको पोर्टेबल पर्पज़ से चाह रहे हैं, मीन्स आप चाहते हैं पोर्टेबिलिटी आपके ध्यान में है, मतलब आप पोर्टेबिलिटी को कंसिडर करके चलते हैं, तो उसका साइज़ बहुत मैटर करता है, प्लस उसकी लुक्स मैटर करती है। साउंड क्वालिटी के लिए सबसे सिंपल तरीका है, हम इसको JBL Flip 3 के साथ दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की साउंड क्वालिटी, दोनों पे एक ही सेम गाना प्ले करके दिखाएंगे कि किसमें किस तरीके की बीट्स आई हैं, वोकल्स प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं, तो आप खुद उससे बहुत आसानी से जज कर सकते हैं। बाकी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ कि इसमें कैसा साउंड आ रहा है। जैसा कि आपने देखा S50 थोड़ा सा लाउड कम है अगर हम कंपेयर करें JBL Flip 3 से। साथ ही साथ अगर जब हम वॉल्यूम को 100% कर देते हैं तो ये डिटेल्स और रेजोल्यूशन काफ़ी लैग कर जाता है, बट वो सिर्फ तब है जब 100% वॉल्यूम पे हम सुनते हैं, और इसकी साउंड सफिशिएंट है एक रूम के लिए। बस आप इसको JBL Flip 3 से कंपेयर करते हैं तब आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं है, बट दोनों की कॉस्ट को देखेंगे तो बिल्कुल जस्टिफाइड लगेगा। दूसरा फैक्टर आ जाता है बैटरी लाइफ। इसमें 3000 mAh बैटरी है, इसमें 3600 mAh बैटरी है। तो 3000 mAh बैटरी के साथ इसका बैटरी बैकअप 10 घंटे है, या अगर 50% वॉल्यूम पे है तो 10 घंटे से ज़्यादा बैकअप दे देता है, 70% वॉल्यूम पे अराउंड 8 आवर्स, और ये 3600 mAh बैटरी के साथ लगभग मिनिमम 12 घंटे बैटरी बैकअप देता है अगर आप इसको 50% बैटरी पे चलाते हैं तो। और इसकी बैटरी के साथ साथ मैं आपको अब इसके फीचर्स पे आते हैं। तीसरी चीज़ जो फीचर्स हैं, फीचर्स इसमें हद से ज़्यादा हैं, मतलब कंपेयर किया जाए JBL से तो JBL
JBL में क्या है फीचर, बस इसमें ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से आप गाने सुन सकते हैं, ख़त्म, ठीक है। और दूसरा ऑक्स केबल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ है, इसमें ऑक्स केबल भी सपोर्ट होती है, इसमें माइक्रो SD कार्ड भी लग जाता है, उससे भी आप गाने सुन सकते हैं। आपके पास अगर SD कार्ड भी नहीं है तो पेनड्राइव है तो पेनड्राइव से सुन सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड लगा के आप इसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिवाइस बना सकते हैं, बिकॉज आपको ना ही फ़ोन कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर इन केस आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है, तो आप डाउनलोडेड सॉन्ग से आप इजीली इसे इंडिपेंडेंट डिवाइस बना के एज अ स्पीकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था इसमें ये फीचर हो गया। तीसरी चीज़, इसमें पेनड्राइव लगा सकते हैं। चौथी चीज़, इसमें आपको दिया गया है FM रेडियो, तो जहाँ पर अगर आपको FM सुनने का मन है तो आप वो भी इसमें सुन सकते हैं। पांचवी चीज़, इन केस आपकी बैटरी डाउन हो चुकी है पूरी तरीके से फ़ोन की, और आपको इमरजेंसी में ये एज अ पावर बैंक भी काम करेगा अगर आपके पास जो भी केबल सपोर्ट करती है वो है चार्जिंग की। तो ये पांच बहुत बड़े फीचर्स हैं, जिनमें से इनमें कॉमन सिर्फ तीन चीज़ें हैं, एक ऑक्स केबल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और तीसरी NFC कनेक्टिविटी। ये तीन चीज़ें तो कॉमन है, अदरवाइज़ इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। तो मैंने तीन चीज़ें आपको बता दी, फीचर्स बता दिए। अब हम चौथी चीज़ पर आ जाते हैं कि क्या ये पोर्टेबल है, मतलब आप इजीली कहीं भी इसे कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें JBL से तो बिल्कुल नहीं। JBL जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, एक हाथ में इजीली बहुत कैरी किया जा सकता है, कहीं भी इसको लटका के आप चल सकते हो, ऐसा इसके साथ नहीं है। एक तो ये बहुत हैवी है, प्लस साइज़ में बहुत बड़ा नहीं है, बट हैवी होने के कारण और उसकी शेप इस तरह की होने के बाद आप इसको एक हाथ में भी सही से नहीं पकड़ सकते। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से मैंने इसको पोर्टेबिलिटी के सेंस में इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। पांचवी चीज़ आती है लुक्स। लुक्स के मामले में ये प्रीमियम दिखते हैं, मैट डिज़ाइन है, मैट ब्लैक कलर के फिनिश दे रखी है, तो लुक तो इज़ ओवरऑल गुड है, इसकी भी इसकी भी। तो लुक में सिर्फ एक चीज़ जो इसमें खल रही है वो ये है कि इसका जो साइज़ है वो थोड़ा वियर्ड है, मतलब आप वो कैरी करने में इतना ईजी नहीं है। छठा फीचर जो इसमें दिया गया है वो ये है कि इसमें क्लॉक है, क्लॉक के साथ साथ अलार्म है, आप दो अलार्म सेट कर सकते हैं इसमें। और क्लॉक तो आप इसको टेबल पे अपनी स्टडी टेबल पे रख दें तो ये एज अ क्लॉक भी काम करेगा। इसके साथ सातवीं चीज़ जो इसके एज अ एडवांटेज इसमें दी गई थी, जो कि मुझे नहीं लगता एडवांटेज है इसलिए मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, इसमें ये एक ऐप आती है इसकी जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट वो ऐप इसके साथ इतनी बुरी तरीके से कंबाइन होती है, कभी कनेक्ट होती है कभी नहीं होती, तो वो इरीटेट ज़्यादा करती है और काम कम करती है। तो उससे अच्छा आप सिर्फ इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करें और इन्जॉय करें, उस ऐप का यूज़ ना ही करें तो बेटर रहेगा। अब आ जाते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स पे। तो पहली ड्रॉबैक तो मैंने उसी में इंक्लूड कर दी इसके साइज़ को देखे। दूसरा ड्रॉबैक, आपने जैसे साउंड क्वालिटी देखी तो इसमें थोड़ी सी कम है, लाउड कम है, उसका रीज़न ये भी था कि इसमें 10 वॉट के साउंड स्पीकर है, इसमें 16 वॉट के स्पीकर हैं, तो वो वेरिएशन इस वजह से भी आना बनता है। तीसरा ड्रॉबैक इसमें ये है कि इसको चार्ज करने में 8 घंटे लगते हैं और इसको नॉर्मली आप 2 से 2.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, आपको रात में लगा के छोड़ना पड़ेगा। इन केस आप इसको यूज़ करते करते इन बीच में ये ख़त्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो आपको इसको अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा उसको चार्ज होने के लिए, तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो अब कंक्लूजन की तरफ आ जाएं, तो कंक्लूजन में मेरे हिसाब से आप अगर जब परचेज करने की सोची हुए हैं तो आप अगर कंसीडर करते हैं 2000 रुपये में, तो ये इसके फीचर्स को देखते हुए, इसकी साउंड क्वालिटी को देखते हुए ये मेरे हिसाब से वर्थ है। बट आपको पैसों का कोई इशू नहीं है, आप 2000 रुपये और स्पेंड कर सकते हैं, तो ये जिस साइज़ में ये है पोर्टेबल है इतना, प्लस बेस इसका थोड़ा बढ़िया है, तो आप इस पर भी जा सकते हैं। तो बस यही है कि 2000 रुपये महंगा पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस तरीके के और वीडियोज़ भी बनाता रहूँगा। थैंक यू।